ऐसा क्यों कहा जाता है कि नार्सिसिस्ट को सिर्फ सुपर इम्पैथ्स डील कर सकते हैं, उसकी असली जगह सुपर इम्पैथ्स सिखा सकते हैं। तो सुपर इम्पैथ्स की ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या वो सिचुएशन होती है जब एक नार्सिसिस्ट से एक सुपर इम्पैथ डील करता है तो वो उसको उसकी असली जगह दिखा सकता है, उसकी असली मिरर जो दिखाता है वो एक सुपर इम्पैथ सिखाता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे और स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी नीड। क्योंकि ये जो चैनल है, ये चैनल है हाईली सेंसिटिव पर्सन का, ये चैनल है नार्सिसिस्ट सर्वाइवर का, ये चैनल है आपका। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है सुपर इम्पैथ्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, क्योंकि कौन ऐसे पर्सन है जो नार्सिसिस्ट से उसको टक्कर देते हैं, जो उसकी जगह दिखाते हैं, जो उसके हिसाब से कंट्रोल होके नहीं चलते हैं। तो ऐसी क्या ट्रिक्स है, ऐसी क्या क्वालिटीज है, सुपर क्वालिटीज है सुपर इम्पैथ्स की, जो वो एक नार्सिसिस्ट से जब डील करते हैं तो वो चीजें उनके अंदर होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझना होगा कि सुपर इम्पैथ्स की लाइफ कैसी होती है। तो सुपर इम्पैथ्स की जो लाइफ होती है वो बहुत डिसफंक्शनल रिजिड माइंडसेट के लोगों के बीच होती है, जहां वो हर टाइम नार्सिसिस्ट लोगों से ही घिरा होता है। सुपर इम्पैथ्स के पेरेंट्स जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट की क्वालिटी रखते हैं, जहां उसके सिबलिंग्स, उसके फ्रेंड सर्किल इस तरह का होता है कि बचपन से ही सुपर इम्पैथ्स नार्सिसिस्ट के बीच वर्त लेता है। तो वो बचपन से ही अपने ऊपर काम करता है। जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ड होते हैं, वो हर चीज को बचपन से ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बचपन से इस तरह का होता है कि वो बोलना पसंद नहीं करते। वो और बच्चों की तरह जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, खेलना, लड़ना, झगड़ना, जीतना, ये सारी चीज़ें बचपन से ही एक सुपर इम्पैथ्स में नहीं होती है। उनके अंदर जलस की टेंडेंसी नहीं होती है कि वो किसी बच्चे को देखकर जले, वो अपने साथ के बच्चों को देखकर कभी जलस फील नहीं करते, जिससे कि वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि वो अपनी आप पर काम करते हैं, वो अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं बचपन से ही, जहाँ बचपन से ही उन्हें बहुत डीवैल्यू किया जाता है। हर चीज़ के लिए उनको ब्लेम किया जाता है, हर चीज़ के लिए उन्हें कहा जाता है कि ये तो बहुत ईगोस्टिक है, क्योंकि बचपन से ही वो बात नहीं करते हैं, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। उनकी लाइफ में इतनी बड़ी से बड़ी चीज़ें हो चुकी होती हैं जिससे कि वो लेसन ले चुके होते हैं बचपन से ही। उनकी लाइफ में बचपन में ऐसा मेमोरी उनका रहा होगा जो इतना इफेक्टेड होगा, जो कहीं ना कहीं शायद उनकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब किया होगा, उनकी इमोशनल हेल्थ को डैमेज किया होगा, उनकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज किया होगा। बट ये जो सुपर इम्पैथ्स है, जहाँ इनको बचपन से बहुत बुली किया जाता है, इनके काइंड नेचर का सब मजाक बनाते हैं, इनको ईगोस्टिक कहते हैं, क्योंकि ये बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ड होते हैं, बचपन से ही इनकी अकेले रहने की आदत होती है और अकेले रहकर ये खुद पर काम करते हैं, अपने टैलेंट्स को पॉलिश करते हैं, अपने आप पर इतना काम करते हैं कि जो इन्हें एक एज के बाद बहुत हेल्पफुल करता है, इनका एक्सपीरियंस्ड होल्डर ये हो जाते हैं। तो जब एक सुपर इम्पैथ्स को ऐसी टॉक्सिक रिजिड माइंडसेट वाली फैमिली में बर्थ मिलता है, तब ये बचपन से ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। इनको पता होता है, इनका कॉन्शियसनेस इतना अवेयर होता है कि इन्हें पता है कि ये इस अर्थ में किसी मिशन के लिए आए हैं, ये इस अर्थ में आए हैं पीस क्रिएट करने, ये इस अर्थ में आए हैं लोगों को प्यार देने, यहाँ पर ये पीस क्रिएट करेंगे, लोगों को समझेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, किसी ना किसी तरह से लोगों को ग्रोथ देंगे, ये इनका ट्रू मिशन इन्हें पता होता है। और जब ये अपनी लाइफ में बड़े होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इनकी हर चीज़ में बहुत रुकावट होती है, और जब इन्हें कोई नहीं समझता है तो ये बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं। इनका गॉड से कनेक्शन इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा ये साधना करते हैं अपने स्पिरिचुअलिटी में, बचपन से ही मेडिटेशन करना,
मंत्र साधना करना, अपने ऊपर काम करना, इनका स्पिरिचुअलिटी का गॉड से अलग ही कनेक्शन होता है। ये फील कर पाते हैं कि ये 3D डायमेंशन में रह के भी 5th डायमेंशन 7th डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं। इनका जो 3rd आई होता है वो बचपन से इतना क्लियर होता है कि ये सामने वाले को सेंस कर पाते हैं, उसके झूठ को डिटेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो बाय बर्थ इतने काइंड हार्टेड होते हैं कि ये हर किसी को प्यार देते हैं। ये चाहते हैं कि इस अर्थ में पीस क्रिएट हो, और जैसे ये खुद होते हैं ना, ये सामने वाले को भी वही समझते हैं, क्योंकि ये खुद बहुत जेन्युइन होते हैं, बहुत ही माइंडसेट क्लियर होता है इनका, बहुत ही प्यार देने की टेंडेंसी होती है, हेल्पफुल टेंडेंसी होती है। ये हर किसी को चाहते हैं कि लाइफ में ग्रोथ हो सके, तो इसी वजह से ये हर किसी को वही सोचते हैं। बट अपने ऊपर अकेले रहकर, जहाँ इनका कोई फ्रेंड नहीं होता है, जहाँ इनके पेरेंट्स इनको नहीं समझते हैं, जहाँ हर कोई इनका साथ छोड़ देता है, तब ये अपना साथ खुद देते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हैं। इनको पता होता है कि इनकी क्या जगह है, क्योंकि ये अपने ऊपर इतना काम कर चुके होते हैं कि इन्हें पता है कि इनकी रियलिटी क्या है, इनका सच क्या है, और कोई भी आकर इनको इनके सच से नहीं हटा पाता है, क्योंकि इनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है। एक सुपर इम्पैथ्स बहुत फ्रैंक होते हैं, अननोन लोग भी आकर इनसे अपने दिल की बात बताते हैं। सुपर इम्पैथ्स की जो ये क्वालिटी होती है कि ये काइंड हार्टेड होते हैं और हर किसी का पेन फील करते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, और इस चीज़ का नार्सिसिस्ट लोग इनकी लाइफ पर फ़ायदा उठाने आते हैं। बट ये सुपर इम्पैथ्स को इतना हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि सुपर इम्पैथ्स बहुत सिंपल होते हैं, इनको दिखावा करना नहीं आता, इनको जलस फील नहीं होता किसी से, इनको ये दिखता है कि जो सामने वाला है वो ये डिटेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि बचपन से ही ये जब किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत इंट्रोवर्ड होते हैं, अकेले में रहने की इनकी आदत होती है, तो इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है ना चीज़ों को लेकर, ये बहुत क्लियर होता है। फर्स्ट पॉइंट है, देयर इंट्यूशन कैन डिटेक्ट मैनिपुलेशन। यस, सुपर इम्पैथ्स जो होते हैं बचपन से ही इतने स्पिरिचुअल होते हैं, इतने काइंड हार्टेड होते हैं कि वो हर किसी को हेल्प करते हैं, हर किसी का पेन फील करते हैं, और यही चीज़ इनकी स्ट्रेंथ होती है। वो हर किसी को इस तरह से फील करते हैं कि वो सामने वाले को ग्रोथ दे सके, वो हर किसी की लाइफ में पीस क्रिएट करते हैं, उनके होने से ग्रोथ आती है, उनके होने से पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि वो सामने वाले के एनर्जी को फील करते हैं, उनका इंट्यूशन इतना तेज होता है कि वो सेंस कर पाते हैं कि सामने वाले की इंट्यूशन क्या है, सामने वाले का माइंडसेट क्या है। और क्योंकि ये इन्होंने बहुत छोटे से ही किया है, बहुत छोटे से ही इनकी ऑब्जर्वेशन है वो इतनी स्ट्रांग होती है, सेंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग होती है, उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि ये सेंस कर पाते हैं सामने वाले की एनर्जी। क्योंकि ये स्पिरिचुअल होते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी है एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी में हम खुद के ऊपर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, जो कि सुपर इम्पैथ्स ने बचपन से ही किया होता है, अपने ऊपर काम किया होता है, अपने इमोशंस को बहुत ही बैलेंस वे में अपनी लाइफ पर वर्क किया होता है, अपनी मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर इन्होंने बहुत काम किया होता है। तो जहाँ पर ये स्पिरिचुअल होते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड होते हैं, तो ये 3D डायमेंशन के साथ साथ 5th डायमेंशन 6th डायमेंशन से भी कनेक्ट होते हैं। और जहाँ इनकी एनर्जी बहुत प्योर होती है, इनकी इंटेंशन बहुत प्योर होती है, ये बहुत ही काइंड हार्टेड, प्योर हार्टेड होते हैं, इनको पसंद ही नहीं है कि सामने वाला इनके साथ माइंड गेम खेले या किसी के साथ भी छल कपट के साथ कोई भी रिलेशन हो, तो वहाँ पर इनका जो इंट्यूशन है ये डिटेक्ट कर पाता है कि सामने वाला गलत कर रहा है। इनको फीलिंग आने लगती है कि कुछ तो यहाँ गलत है, क्योंकि इनका जो बचपन से लेके अडल्टहुड तक या ओल्ड एज तक भी इन्होंने लाइफ को जिया होता है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले ही लर्न कर लिया होता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, इंट्यूशन कैसे काम करती है, मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रहती है, इमोशनल हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। तो वो चीज़ पर जब ये बचपन से ही काम कर रहे होते हैं, तो ये सामने वाले को पूरा स्कैन कर लेते हैं, उसकी सच्चाई, उसका हर चीज़, जितना कि ये सामने से देखने से लगते हैं कि ये बहुत
सीधे हैं, इनको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इनकी फिजिकल अपीरियंस, कि ये तो एक ऐसा पर्सन है बहुत काइंड हार्टेड है कि कोई भी इसका फायदा उठा लेगा और ये कभी कुछ नहीं कहेगा। पर सामने वाले को नहीं पता है कि इस पर्सन ने अपनी होल लाइफ में किस किस सिचुएशन को किस हिसाब से डील किया है, वो सामने वाला जानता ही नहीं है। तो जहाँ एक नार्सिसिस्ट इसके सामने आता है, तो सुपर इम्पैथ ने अपनी स्पिरिचुअलिटी में इतना काम किया होता है, अपने ऊपर इतना काम किया होता है कि इसकी जो सिक्स सेंस होती है, जो इनकी इंट्यूशन होती है, इनर स्ट्रेंथ होती है, वो सेंस कर पाती है एक नार्सिसिस्ट की एनर्जी, वो फील कर पाती है नार्सिसिस्ट का कि ये मैनिपुलेट कर रहा है, ये आपके अंदर गिल्ट डाल रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी रियलिटी को चेंज करना चाहता है, ये एक माइंड गेम खेल रहा है। ये एक सुपर इम्पैथ को इंट्यूशन आ जाती है अपने खुद के हीलिंग वर्क से, अपने खुद के इनर वर्क से। एक सुपर इम्पैथ फील कर पाता है, डिटेक्ट कर पाता है कि एक नार्सिसिस्ट का ट्रू सेल्फ क्या है। ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, एक सुपर इम्पैथ फील कर लेते हैं अपने इंट्यूशन से, क्योंकि इनका इंटेंशन इतना प्योर होता है सुपर इम्पैथ्स का कि ये हर किसी को देखते हैं कि सामने वाला भी बहुत काइंड हार्टेड है। जो दुनिया होती है वो बहुत ही प्योर होती है, हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, और यही ट्रुथ है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर से जुड़े होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। तो इनको पूरा अर्थ ऐसे लगता है कि बहुत पीसफुल जगह है, और सुपर इम्पैथ्स को खुद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि इस अर्थ को पीसफुल बनाना है, और किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, हर कोई प्यार डिजर्व करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव, बॉन्ड, वाइब, ये एक हायर फ्रिक्वेंसी है, ये एक हायर डायमेंशन की बातें हैं जो कि एक सुपर इम्पैथ्स को पता होता है। एक सुपर इम्पैथ्स को जो प्योर लव होता है, प्योर लव जो गॉड का एसेंस होता है ना, वो एक सुपर इम्पैथ बहुत पहले से ही अपने साथ कैरी करते हुए चलता है। इसलिए इनके ऑरा से, इनके होने से लोगों की लाइफ में ग्रोथ आती है। पॉइंट है, दे ऑफ्टन हैव ए कोर आइडेंटिटी एंड हाई लेवल ऑफ सेल्फ वर्थ। यस, सुपर इम्पैथ्स जो होते हैं उनकी जो कोर बिलीफ सिस्टम होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि अपने ऊपर, अपने आप पर इनको बहुत बिलीव होता है, इतना स्ट्रांग बिलीव होता है कि इनको पता होती है अपनी वर्थ, अपनी कीमत ये जानते हैं। जैसे एक बहुत फेमस कोट है कि हमको मन की शक्ति देना, जग विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो इस कोट में भी मेंशन है कि हमें दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, इस तरह की हमें मन की शक्ति देना। दैट मीन्स कि हमें दूसरों के पीछे भागने से पहले, उनके ऊपर ध्यान देने से पहले अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी जय बोलनी है, अपनी आप की सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ को पहचानना है। हम जो हैं, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारी आइडेंटिटी है, हमें उसे स्ट्रांगली रूल करना है, हमें अपनी आप पर काम करना है। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं करता है। उसकी आइडेंटिटी होती है कि वो दूसरों को प्रोजेक्ट करे कि उनके अंदर कमी है, वो दूसरों के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं कि उनके अंदर इतनी कमियां हैं कि वो किसी लायक नहीं है, वो प्रोजेक्ट करते हैं कि उनकी वैल्यू ही नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। वो सामने वाले को कहते हैं कि तुम्हारा जो करियर है वो इतना माइनस में है, तुम कुछ नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, तुम प्यार के लायक नहीं हो, तुम रिलेशनशिप के लायक नहीं हो, तुम्हारा लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा करियर जो है बहुत ख़राब है। ये सारे गिल्ट एक नार्सिसिस्ट के खुद के होते हैं जो वो प्रोजेक्ट करता है सामने वाले के ऊपर। बट यहीं पर जब वो सुपर इम्पैथ से मिलता है जिसका अपने ऊपर बहुत बिलीव है, अपनी सेल्फ वर्थ को वह पहचानती है, तो यहीं पर एक नार्सिसिस्ट और सुपर इम्पैथ का वॉर शुरू होता है। दैट मीन्स कि एक तरह का ये स्पिरिचुअल वॉर है जहाँ पे एक हील्ड पर्सन जिसने अपने ऊपर पूरी लाइफ काम किया है, जो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानता है, जो अपनी आइडेंटिटी को रूल करता है, जो अपनी ट्रू सेल्फ में है, वहीं पर एक जो नार्सिसिस्ट है वो अपनी टॉक्सिक बिहेवियर के कारण, रिजिड नेचर के कारण अपनी अंदर की कमियों को सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर रहा है, एक सुपर इम्पैथ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। तो सुपर इम्पैथ जिसने अपने ऊपर इतना काम किया है, इतना हीलिंग वर्क किया है, वो एक मिरर की तरह काम करता है, वो सामने वाले को
उसकी रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. दैट मीन्स कि वो नार्सिसिस्ट को उसी की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करके देते हैं. वो हर चीज़ जो नार्सिसिस्ट ने उसके ऊपर प्रोजेक्ट की है सुपर इम्पैथ के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये उनकी क्वालिटीज़ नहीं है, ये तुम्हारी खुद की क्वालिटीज़ है, तुम्हें खुद पर काम करना चाहिए, अपने अंदर की टॉक्सिक पैटर्न को दूर करना चाहिए, अपने ऊपर काम करो. ये एक सुपर इम्पैथ नार्सिसिस्ट को फील कराता है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करता है. क्योंकि सुपर इम्पैथ को पता है अपनी सेल्फ वर्थ, सुपर इम्पैथ को पता है अपना सेल्फ इस्टीम, उसे पता है कि वो कौन है, क्योंकि उसने काम किया है खुद पर, उसने पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी को जिया है, उसका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आधी लाइफ जो है वो इसी चीज़ में निकल गई है और आगे भी वो इसी चीज़ पर काम करेगा. और तुम जो एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, वो जब इससे डील करता है, अपनी हर चीज़ की टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट करता है, तो वहीं पर एक सुपर इम्पैथ रिफ्लेक्ट करता है कि ये तेरे खुद की अंदर की इनसिक्योरिटी है, तेरे खुद के गिल्ट है, तुम्हारे खुद की हर टॉक्सिसिटी है जो तुम मुझ पे प्रोजेक्ट कर रहे हो. तो यहाँ पर एक सुपर इम्पैथ नार्सिसिस्ट के किसी भी ट्रैप पर, गैस लाइटिंग पर नहीं आता है. नार्सिसिस्ट की ये ट्रिक होती है कि वो गैस लाइट करते हैं लोगों को, वो लोगों के माइंड को इस तरह से मोल्ड करके आपका दिमाग बना देंगे कि आपको फील होगा कि आप किसी लायक नहीं हो, आपको फील होगा कि आप लाइफ में प्यार डिजर्व नहीं करते हो, आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है. क्योंकि नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, सामने वाले की एनर्जी को फीड करते हैं, सामने वाले की पॉजिटिविटी को सक करते हैं, उसके अंदर जितनी लाइट है उसे सोक कर लेते हैं. वहीं पर जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो हील्ड पर्सन है, सुपर इम्पैथ जो है, वो अपने ऊपर इतना काम कर चुका है कि उसकी एनर्जी, अपने ऑरा को वो हमेशा लॉक करके रखते हैं, वो अपनी एनर्जी को कभी भी सामने वाले को नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सामने वाले को पता है कि वो क्या है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपनी लाइफ में ये अर्न किया है अपने ट्रू इंटेंशन से, अपनी प्योरिटी से. वो इतने प्योर होते हैं कि उनको ये चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए वो ह्यूमैनिटी वर्क करते हैं, वो लोगों के लिए अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं. थर्ड पॉइंट है, सुपर इम्पैथ लिसन केयरफुली एंड रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स. यस, सुपर इम्पैथ जो होते हैं वो बहुत अच्छे गुड लिसनर होते हैं. इनका जो पेशेंस का लेवल होता है दूसरों को सुनने का एक्सट्रीम होता है. अगर आप इनकी बचपन से क्वालिटीज देखें तो इनके जो हॉबीज़ भी होती हैं, आपने देखा होगा, वो इस तरह की होती हैं कि ये बहुत डिटेलिंग में वर्क करते हैं, हर चीज़ को बहुत डिटेल में, पॉइंट वाइज, और हर चीज़ बहुत ही पेशेंसली करते हैं. इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, क्वालिटी होती है कि ये हर चीज़ को डिटेल में देखते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर जो सुनने की क्वालिटी होती है ना सामने वाले को, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे गुड लिसनर होते हैं. इसीलिए जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो हर किसी के पेन को फील करते हैं और सुनते हैं. बहुत काइंड हार्टेड, प्योर सोल होते हैं ये, इसी वजह से ये गुड लिसनर होते हैं, क्योंकि इन्हें फील होता है सामने वाले का पेन, तो उस पेन को डेप्थ पर जाकर समझने के लिए ये बहुत पेशेंसली हर चीज़ को सुनते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत डिटेल में हर चीज़ को देखते हैं. फिर इनकी चाहे कोई हॉबी हो, कोई भी वर्क हो, हर चीज़ को डिटेल में देखना, पॉइंट वाइज देखना और डेप्थ में देखना एक सुपर इम्पैथ्स की क्वालिटी होती है. तो जहाँ पर ये नार्सिसिस्ट से मिलते हैं, तो नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, वो सामने वाले को छोटा फील कराने के लिए मजाक में भी अलग अलग नामों से बुलाएंगे, उसको हर तरह से बुले करेंगे, आपको चार लोगों के सामने आपकी बेइज्जती कर देंगे, और अगर आप रिएक्ट करते हो तो वो आपको ही ब्लेम करेंगे कि आपको तो मजाक पसंद नहीं है, आप तो बहुत सीरियस पर्सन हो, आप तो फनी ही नहीं हो. ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट प्रोजेक्ट करता है जब वो सामने वाले को छोटा फील कराता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो अपने आप पे बहुत सुपीरियर है, बहुत पावरफुल है. इस पूरे अर्थ में जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो एक नार्सिसिस्ट है, ऐसा उसे फील होता है.
वहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो इतने काइंड हार्टेड होते हैं, इतने गुड लिसनर होते हैं कि जब एक नार्सिसिस्ट एक सुपर इम्पैथ को कुछ भी बोलता है मजाक में भी, तो उस चीज को सुपर इम्पैथ सीरियस लेते हैं, क्योंकि सुपर इम्पैथ्स उनकी ट्रू इंटेंशन को फील कर पाते हैं, पूरा डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये स्कैनर होता है, एक एनर्जी का सेंस होता है जो वो फील कर पाते हैं कि सामने वाला का ये जो बोलना है, ये जो टोन है, इसके पीछे का जो हिडन उनका इंटेंशन है, उन सभी चीजों को एक सुपर इम्पैथ फील कर पाता है। चाहे एक नार्सिसिस्ट ने बहुत टाइम पहले उसको कुछ भी कहा हो, सुपर इम्पैथ की जो मेमोरी है वो बहुत शार्प होती है, उस चीज को एक सुपर इम्पैथ हमेशा याद रखते हैं। वहीं जो एक नार्सिसिस्ट होते हैं, उनकी जो ट्रिक है कि वो सामने वाले के इमोशंस को ही उसी के खिलाफ यूज करते हैं, बट यहीं पर जो वो सुपर इम्पैथ्स के साथ करना चाहते हैं कि वो सुपर इम्पैथ्स के काइंडनेस को, उनके प्यार करने के तरीके को, उनके हर किसी को कि वो प्यार देते हैं, पीसफुल दूसरों की लाइफ को बनाते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, करते हैं अपने ऊपर उस ऑब्जर्वेशन की पावर को अपने काम पे लाते हैं। तो ये हर चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, चाहे पेंटिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, कुकिंग हुआ, कुछ भी क्रिएटिव वर्क है, ये ऑब्जर्वेशन इनकी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये हर चीज़ को फील कर पाते हैं। सुपर इम्पैथ चलता फिरता मिरर होते हैं हर चीज़ का, वो सेंस कर पाते हैं हर चीज़ की एनर्जी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी है कि एक सेंस करना, एनर्जी, हर चीज़ एनर्जी है, तो हर चीज़ की एनर्जी को फील करना एक सुपर इम्पैथ्स की क्वालिटी होती है। उसको पता होता है कि सामने वाले की डिटेल वर्क क्या है, जब आप इनका काम देखेंगे ना तो ये बहुत ही बारीक से बारीक काम पॉइंट में भी कर कर दे सकते हैं, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी है। जो डीप रिसर्च होती है वो सुपर इम्पैथ्स करते हैं, जो डिटेलिंग का वर्क करते हैं, डिटेलिंग की क्वालिटी होती है वो एक सुपर इम्पैथ्स में होती है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, कुक जो होते हैं वो एक सुपर इम्पैथ्स हो सकते हैं। इनके अंदर बाय बर्थ इतनी क्वालिटी होती है, अकेले रहना ये बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ ये अकेले रहते हैं वहाँ ये चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक ही टाइम पर बहुत सारे काम करना एक सुपर इम्पैथ्स की क्वालिटी होती है, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने बचपन से की होती है, बहुत छोटे से ये इस चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, अपने आप पर काम कर रहे होते हैं, और अपनी सच्चाई इनको पता होती है कि ये कैसे पर्सन है, इनको पता है कि इनका सेल्फ वर्थ क्या है। अपने आप पे काम करते करते, नार्सिसिस्ट के बीच रहते रहते ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाते हैं। बचपन से इनको इतना बुली किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है, बट फिर भी ये अपनी जिद के कारण, अपनी अच्छाई के कारण स्पॉटलाइट में आते हैं। एक टाइम एज के बाद ये लीडरशिप की क्वालिटी को निभाते हैं, ये दूसरों को लीड करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ के ट्रू सेल्फ से। और वहीं पर जब ये बचपन से ही नार्सिसिस्ट से घिरा होता है, तो इसको पता होता है कि सामने वाले से डील कैसे करना है, क्योंकि इस सुपर इम्पैथ्स ने बचपन से अपने इमोशनल हेल्थ पर बहुत काम किया होता है, अपनी मेंटल हेल्थ पर बहुत काम किया होता है, अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत काम किया होता है। ये फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा मायने करते हैं, अपनी हर चीज़ को ये ठीक करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इनकी सच्चाई क्या है, इनको किन किन चीज़ों पर काम करना है, बट ये सामने वाले को भी पूरी तरह से फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं कि सामने वाले में क्या अच्छाई है, क्या गलतियां हैं, और ये उसी चीज़ का प्रोजेक्शन सामने वाले को देते हैं। अगर इन्हें फील होता है कि सामने वाला इन पर गलत चीज़ें कर रहा है, इनके साथ गलत कर रहा है, तो ये वही चीज़ सामने वाले पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो एक सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं ये एक सुपर मिरर का काम करते हैं, ये सामने वाले को वही देते हैं जो वो इनको देता है। पर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो बहुत शॉर्ट टेंपर्ड होते हैं, वो चाहते हैं हर किसी को कंट्रोल करना, क्योंकि वो इतना इगोस्टिक पर्सन है कि उसको लगता है कि इस अर्थ में जो सबसे सुपीरियर पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, वो खुद है।
वो लोगों की लाइफ पे सबसे सुपीरियर है। वो एक ऐसा पर्सन है जो लोगों को कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से लोगों को चला सकता है। तो ये थिंकिंग एक नार्सिसिस्ट की होती है। वहीं जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो बहुत अच्छे गुड लिसनर होते हैं और हर चीज़ को डिटेल में याद रखते हैं। तो जहाँ एक नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ्स से मिलता है और नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ्स को, जो वो सबके साथ करता है कि सामने वाले का इस तरह से मजाक उड़ाता है, इस तरह से छोटा फील कराता है कि सामने वाले की इमेज, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की एक नार्सिसिस्ट धज्जियां उड़ाता है। जब वो यही चीज़ सुपर इम्पैथ से करता है तो एक सुपर इम्पैथ डिटेक्ट कर पाता है कि नार्सिसिस्ट का इसके पीछे का हिडन इंटेंशन क्या है, उसका ट्रू इंटेंशन क्या है इस चीज़ को करने का। वो इस चीज़ को तुरंत डिटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो इतने अच्छे गुड लिसनर होते हैं कि वो डिटेल में हर चीज़ को याद रखते हैं। वो बहुत डेप्थ में जाकर नार्सिसिस्ट के बोलने का तरीका, उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो इंट्यूशन है, उस चीज़ को एक सुपर इम्पैथ डिटेक्ट कर पाता है। इसी वजह से वो नार्सिसिस्ट के मजाक को भी सीरियस लेता है। और यहीं पर जब एक नार्सिसिस्ट सुपर इम्पैथ से कहता है कि तुम तो बिल्कुल हर चीज़ को सीरियस लेती हो, तुम्हें तो फन का मतलब ही नहीं पता है, तुम बिल्कुल फनी नहीं हो, तुम ये ऐसा कैसे रिएक्ट कर सकते हो, बट सुपर इम्पैथ उसके मजाक को भी रिकॉल करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती, तुम अपनी चीज को मुझ पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, जो तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी और गिल्ट है तुम मुझ पर प्रोजेक्ट मत करो। ये चीज एक सुपर इम्पैथ रिकॉल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो मजाक होते हैं वो हेल्दी होने चाहिए, जहाँ किसी का दिल को पेन नहीं होना चाहिए, जहाँ किसी को छोटा फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसको भी रिस्पेक्ट मिले, उसको भी लोग प्यार करें। बट वहीं पर एक नार्सिसिस्ट अपने 10 लोगों के बीच बैठकर जब इस सुपर इम्पैथ्स का मजाक बनाता है तो वहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो हर डिटेल को याद रखते हैं। फर्स्ट टाइम जब नार्सिसिस्ट ने एक सुपर इम्पैथ्स को कुछ भी कहा हो, उस दिन से लेकर एंड तक हर चीज़ सुपर इम्पैथ को बहुत ही डिटेल में याद होती है। उसे पता होता है कि नार्सिसिस्ट ने कब किस चीज़ को किस तरह से मोल्ड करके, झूठ बोलकर अपनी एक स्टोरी क्रिएट कर उसको प्रोजेक्ट किया है, उसको दिखाया है। नार्सिसिस्ट हर टाइम 3 लाइफ जीते हैं। वो अपनी फैमिली में, अपने लव वंस के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में और सोशल लाइफ को बहुत ही अलग तरीके से दिखाते हैं। उनकी जो ट्रू सेल्फ है उसको वो हर किसी से हाइड करके रखते हैं क्योंकि उनका एक ऐसा डार्क टॉक्सिक साइड होता है जो वो नहीं चाहते हैं कि किसी को भी पता लगे। बट जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो पूरा डिटेक्ट कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं कि इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, इस पर्सन का ट्रू पर्सनैलिटी क्या है, जिसको वो हर किसी से हाइड करके रख रहा है, हर किसी से छुपा के रख रहा है, वही चीज़ एक सुपर इम्पैथ पूरी तरह से डिटेक्ट कर पाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है, ये किस तरह से लोगों का फायदा उठा रहा है। और वही चीज़ वो एक सुपर इम्पैथ्स के साथ करना चाह रहा है, उसके काइंडनेस का, उसके प्यार का फायदा उठाना चाहता है। तो वहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो ना खुद का फायदा उठाने देते हैं और ना ही किसी और का। वो लोगों को दिखाते हैं कि इसकी ट्रू सेल्फ क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। 4 पॉइंट है, सुपर इम्पैथ्स कैन कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव एम्पैथी। यस, सुपर इम्पैथ्स जो होते हैं उनको बाय बर्थ ये क्वालिटी मिली होती है कि वो हर किसी के पेन को फील कर रहे हैं, हर किसी की लाइफ पर पीस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने स्पिरिचुअल होते हैं, इतने प्योर हार्टेड होते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं उनकी लाइफ पर लाइट देते हैं, उनको ग्रोथ देते हैं। इनके होने से, इनके ऑरा से, इनकी प्रेजेंस से लोगों की लाइफ पर हैप्पीनेस आती है, उनकी लाइफ में ग्रोथ आती है। ये दूसरों को प्यार देने में बिलीव करते हैं, दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं। बट जो नार्सिसिस्ट होता है इसका इंटेंशन हमेशा ऐसे रहता है कि उसे पता होता है कि सामने वाले की ये वीकनेस है, ये उसकी कमजोरी है, उसके अंदर ये कमी है, ये उसी चीज़ को हाईलाइट करा करा कर उस सामने वाले को डीमोटिवेट करता है। ये सामने वाले को इस कदर बना देता है कि उसकी लाइफ को पूरा हेल बनाएगा, उसके इमोशंस को उसी के खिलाफ वेपन की तरह यूज़ करता है एक नार्सिसिस्ट। वहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं उनको बाय बर्थ ही क्वालिटी होती है कि वो बोथ साइड देख पाते हैं, वो ये साइड देख पाते हैं कि सामने वाले के अंदर ये कमियां हैं, तो
तो क्यों ना हम उसकी हेल्प कर सकें, उसकी लाइफ में और पीस क्रिएट कर सकें। बहुत ही काइंड हार्टेड, ये सामने वाले की हर चीज़ को सुनेंगे और फिर उसे सल्यूशन देंगे, ये उसको बताएंगे कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को लाइफ पर ग्रोथ दे सकता है, अपनी चीज़ों को लाइफ पर एक पीसफुल जी सकता है। क्योंकि इनको पता है कि प्रॉब्लम्स तो है, पर हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें पास्ट की चीज़ों को, उस टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ देना चाहिए और ग्रोथ में ध्यान देना चाहिए। ये ही जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो सामने वाले को देते हैं। बट वहीं पर जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो हर किसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि किसी ना किसी तरह से वो सामने वाले का फ़ायदा उठाए। और कितने लेवल तक इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, उस लेवल तक वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो कभी भी पेन को फील नहीं कर पाते, वो कभी भी दूसरे के पेन को फील नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटी ही नहीं होती है। और वो अगर देख लें कि कोई पेन में है तो वो उसके पेन को और बढ़ा सकते हैं, वो उसकी लाइफ पर और टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट करेंगे, उसको और ही टॉर्चर करेंगे, उसकी मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को डैमेज करेंगे। बट जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो तो बचपन से ही इन चीज़ों पर काम कर चुके होते हैं, अपना हीलिंग वर्क कर चुके होते हैं, अपने ट्रॉमा को, उस वुंडेड टॉक्सिक फैमिली के पैटर्न को कब का वो ब्रेक कर चुके होते हैं। वो अपने इस फैमिली के डायमेंशन को, जो कि बहुत रिजिड होता है, उसे तोड़कर बाहर आए होते हैं। तो ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि अपने आप से प्यार करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं। बट ये चीज़ कभी इनके ईगो पे बेस्ड नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ग्राउंडेड होते हैं, ये ज़मीन से जुड़े होते हैं, ये सामने वाले को बहुत प्यार देते हैं। जो ट्रू लव होता है, जो ट्रू प्योरिटी होती है, वो एक सुपर इम्पैक्ट्स के होने पर ही फील होती है, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन होते हैं, फ्रैंक होते हैं, ये किसी को जज नहीं करते। ये सामने वाले का अगर डार्क साइड भी है तो ये उसको भी जज नहीं करेंगे। बट पॉइंट इज दैट कि सामने वाला अपनी टॉक्सिसिटी को दूसरे पे प्रोजेक्ट ना करें, अपने डार्क साइड को किसी और पे प्रोजेक्ट ना करें। और यहीं पर सुपर इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट को पूरा सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं कि ये अपने उन चीज़ों को, जो कि सामने वाले को सेंस तो कर पा रहा है कि उसके अंदर पेन है, बट ये दूसरे के पेन को उसके खिलाफ यूज़ कर रहा है। ये हर किसी को झूठ बोलकर अपनी एक टॉक्सिक स्टोरी क्रिएट कर, जिसका कि रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, उस चीज़ों को बनाकर ये सामने वाले को दिखा रहा है, ये सामने वाले के दिमाग से खेल रहा है। ये चीज़ एक सुपर इम्पैक्ट्स को पता होती है। फिफ्थ पॉइंट है, सुपर इम्पैक्ट्स आर अनसस्पेक्टेड। यस, सुपर इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो दिखने में इतने इनोसेंट होते हैं, इतने काइंड हार्टेड होते हैं, जो कि उनका ट्रू क्वालिटी होता है। ये इनको बाय बर्थ मिलता है, क्योंकि इतने स्पिरिचुअल होते हैं ना कि उतने काइंड हार्टेड होते जाते हैं, उतने प्योर सोल हो जाते हैं। इनका ऑरा ऐसा होता है कि हर कोई सोचता है कि ये कितना इनोसेंट है, कितना प्योर है, जो इनकी ट्रू क्वालिटी होती है। क्योंकि ये कभी भी किसी से जलस फील नहीं करते, इनके अंदर ईगो नहीं होता है, बहुत ग्राउंडेड होते हैं, कभी किसी को जज नहीं करते हैं। तो वो जो प्योरिटी का सेंस है, हायर डायमेंशन का, वो इनके अंदर फ्लो करता है, ये इनके ब्लड में फ्लो करता है। ये फील कर पाते हैं गॉड की प्रेजेंस, ये फील कर पाते हैं हर चीज़ में प्यार, हर चीज़ में काइंडनेस, और इस चीज़ को ये स्प्रेड करते हैं, ये पीस को स्प्रेड करते हैं। तो यहीं पर एक नार्सिसिस्ट जब सुपर इम्पैक्ट्स को देखता है तो उसे लगता है कि ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, कोई इतना भी सीधा कैसे हो सकता है जो खुद का टाइम वेस्ट कर रहा है दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों को सुन रहा है, ये कितना बेवकूफ़ है, ये अपना काम छोड़कर दूसरों के लिए टाइम निकाल रहा है उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट को लगती है कि ये बहुत बेवकूफ़ है, इसका तो मैं अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर अपने हिसाब से फ़ायदा करूँगा, अपने हिसाब से इसको चलाऊँगा। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट इसलिए सोचता है क्योंकि जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं ये बहुत ही इनोसेंट होते ही हैं, ये इनकी ट्रू क्वालिटी है, और इनका जो प्रेजेंस है ये हर किसी की लाइफ में ग्रोथ देगा। तो नार्सिसिस्ट को लगता है कि मैं इसका फ़ायदा उठा के अपनी लाइफ में ग्रोथ दूंगा, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन बनाऊंगा, अपनी लाइफ में इसके होने से एक मनी का जरिया बनाऊंगा, इसको अपने हिसाब से क्रिएट करूंगा, इसकी रियलिटी को मैं बनाऊंगा। बट वहीं पर जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो अपनी लाइफ के खुद लीडर होते हैं, उन्हें नहीं पसंद होता है कि कोई किसी को कंट्रोल करे, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करे, उसको गिल्ट फील कराए, शेम फील कराए। अपने हिसाब से दूसरों को चलाना एक सुपर इम्पैक्ट्स को कभी नहीं पसंद होता है, क्योंकि ये जो होते हैं इन्हें पता होती है अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम, तो ये किसी के भी बहकावे में ऐसे नहीं आते हैं।
इनको पता है कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। और जिस चीज़ को नार्सिसिस्ट सोचता है कि इसके हर चीज़ को मैं निकाल कर इसके खिलाफ ही यूज़ करूँगा, तो वो चीज़ एक नार्सिसिस्ट को तब ज़्यादा पेन देती है कि जब यही सुपर इम्पैथ इतने रिबेलियस हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि एक नार्सिसिस्ट ने कभी नहीं सोचा होता है। नार्सिसिस्ट को हमेशा लगता है कि सुपर इम्पैथ जो है ये बेवकूफ़ इंसान है, इसको कुछ नहीं पता, ये कैसा इंसान है जिसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा और ये मुझसे कभी कुछ नहीं कहेगा, ये पलट कर मुझे रिकॉल नहीं करेगा क्योंकि ये तो बहुत काइंड हार्टेड है, इसको तो कभी भी कोई कुछ भी कह देगा, मैं भी कुछ भी कह दूंगा, इसकी तो हर जगह मजाक उड़ाओ, इसको इतना यूज़ करो, इतना टॉर्चर करो कि ये कुछ कर ही ना पाए। बट यहीं पर एक लिमिट होती है एक सुपर इम्पैथ की, जब वो बाउंड्री ब्रेक होती है ना, तो सुपर इम्पैथ को ये समझ आने लगता है कि ये पर्सन कर क्या रहा है, इस पर्सन को मैंने इतना हक नहीं दिया कि ये मेरी हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करे, मेरे अंदर गिल्ट डाले, शेम डाले, जो कि इसकी खुद की रियलिटी है, इसकी खुद की इनसिक्योरिटी है। तो वहीं पर सुपर इम्पैथ्स को पता होता है अपनी ट्रू क्वालिटी, अपना ट्रू नेचर, जहाँ वो बहुत फ्रैंक होते हैं, प्योरिटी से हर चीज़ को सुनना, दूसरों की लाइफ में पीस क्रिएट करना, उनका इंटेंशन हमेशा क्लियर होता है। वहीं पर जब एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ पर हारने लग जाता है कि उसे लगता है कि सामने वाला अब उसका सरदर्द हो जाता है, या वो चाहता है कि वो हर चीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, हर चीज़ से भागे, तो वहीं पर वो क्या ट्रिक अपनाते हैं कि वो सामने वाले के सीक्रेट्स जो होते हैं उसको रिवील करना शुरू करते हैं। वो अपने हिसाब से स्टोरी बनाते हैं और लोगों के पास जा जाकर लोगों से कहते हैं। वो उस झूठ को इस तरह से इमोशनल होके, इनोसेंट होके, रोध होके, ड्रामा क्रिएट करके कहेंगे कि हर कोई उन पे ट्रस्ट करे। वो सबको फील कराते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, सामने वाले ने उनके साथ गलत किया है, वो तो बहुत इनोसेंट है। बट वहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो डिटेक्ट कर पाते हैं उनके इस ड्रामा को, इस झूठ को, इस स्टोरी के पीछे की हिडन इंटेंशन को सुपर इम्पैथ्स फील कर पाते हैं। उन्हें पता होता है कि सामने वाला इंसान कर क्या रहा है, उसके पीछे जो इसका ट्रू इंटेंशन है वो है क्या आखिर। सुपर इम्पैथ्स फिर जब उन्हें फील होता है कि एक लिमिट लाइन जो वो क्रॉस कर चुका है नार्सिसिस्ट उनके साथ, वहाँ पर उनका जो ट्रू सेल्फ है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस होते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते हैं, एक नार्सिसिस्ट को वो उसकी आँखों में आँखें डालकर उसकी ट्रू जगह दिखाते हैं, वो उसके उस डार्क साइड को रिवील कर देते हैं। फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि उन्हें चाहिए जस्टिस, उन्हें चाहिए कि सामने वाले ने गलत किया है, इसीलिए वो नार्सिसिस्ट के ट्रू सेल्फ को, जो वो हर किसी से हाइड करके रखता है, अपनी फैमिली से, अपने लव वन से, अपनी फ्रेंड सर्किल में, जो वो हर किसी से झूठ बोल रहा होता है ना, एक जो सुपर इम्पैथ्स होता है वो उस चीज़ को रिवील करता है, वो लोगों को दिखाता है कि इस पर्सन की सच्चाई क्या है, वो लोगों को बताता है कि इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है। फिर चाहे आगे कुछ भी हो जाए, उस चीज़ से एक सुपर इम्पैथ्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो उसे जस्टिस चाहिए, उसे चाहिए कि सामने वाले ने गलत किया है, उस चीज़ का जो दंड है, उस चीज़ की जो सज़ा है उसे मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इसने गलत किया है, ये गलत है, और ये चीज़ इसके दिमाग में क्लियर होती है, उसका इंट्यूशन, उसका इनर सेल्फ इतना स्ट्रांग होता है कि ये पूरी लाइफ जस्टिस के लिए जीते हैं, ये गलत को कभी भी एंटरटेन नहीं करते हैं, फिर चाहे वो इनके ब्लड रिलेशन हो, चाहे कोई भी इनके सामने क्यों ना खड़ा हो, इनका पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स, कोई भी नार्सिसिस्ट, इनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, किसी भी तरह का रिलेशन हो, ये उसके साथ नहीं कंफर्टेबल होते हैं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करते हैं उसके और अपने से। नार्सिसिस्ट को नहीं पता होता है कि जिस इंसान को ये समझ रहा है कि ये बहुत सीधा है, ये दिखने में लग सकता है एक सुपर इम्पैथ, कि वो बहुत नॉर्मल होते हैं, क्योंकि वो होते ही हैं, वो उनका ट्रू क्वालिटी है, ये इतने सीधे होते हैं कि ये बहुत ग्राउंडेड होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं, ये अपने से छोटे बड़े को, हर चीज़ को बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं। बच्चों के साथ बच्चे एक सुपर इम्पैथ्स होते हैं, और बड़ों के साथ रिस्पेक्ट करना, उनके साथ किस तरह से डील करना है, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनको सुनना, हर चीज़,
एक सुपर इम्पैथ बहुत कामली बहुत पेशेंसली करता है, बट वहीं पर नार्सिसिस्ट समझता है कि ये तो एक बेवकूफ़ इंसान है जिसको मैं कभी भी बेवकूफ़ बना के इसकी लाइफ में इसका फ़ायदा उठा के जा सकता हूँ। वहीं पर सुपर इम्पैथ से जब एक नार्सिसिस्ट मिलता है तो कुछ टाइम के बाद सुपर इम्पैथ इन्हें पूरा डिटेक्ट कर पाता है, स्कैन कर पाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये पर्सन कुछ तो गलत कर रहा है। फिर जो सुपर इम्पैथ्स की ट्रू क्वालिटी है, काइंड हार्टेड रहना, बहुत ही पेशेंसली चीज़ों को डील करना, बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने इनर सेल्फ के साथ काम करना, वो काम एक सुपर इम्पैथ्स अपने साथ करता है जहाँ वो बहुत पेशेंस होता है। बट जहाँ पर नार्सिसिस्ट उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं उनका जो इंट्यूशन होता है इतना करेक्ट होता है कि वो पूरा तरह से सेंस कर पाते हैं कि सामने वाला अपनी कमियों को उस पर प्रोजेक्ट कर रहा है, वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है, वो उसके दिमाग के साथ खेलना चाहता है। जहाँ वहीं सुपर इम्पैथ्स जो होते हैं वो किसी तरह के छल कपट को नहीं टॉलरेट करते हैं, वो हमेशा जस्टिस के लिए काम करते हैं, वो हमेशा दूसरों की लाइफ पे पीस क्रिएट करते हैं, उनको प्यार देते हैं। तो वहीं पर उनके साथ जब ऐसा होता है तो वो सामने वाले को दिखा देते हैं कि ये उनके अंदर की क्वालिटीज़ नहीं है, ये नार्सिसिस्ट को प्रोजेक्ट करते हैं मिरर की तरह कि ये तुम्हारी अंदर की इनसिक्योरिटी है, ये तुम्हारे अंदर का गिल्ट है, ये तुम्हारे अंदर का शेम है, और वो इन्हें किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नार्सिसिस्ट ये करते हैं कि वो एंड मोमेंट में जाकर सामने वाले को रिकॉल कराते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, और जब सामने वाला इन्हें छोड़कर जाने लगता है तो वो चाहते हैं कि सामने वाले के सीक्रेट्स को ओपनली हर जगह बताएं, और यही चीज़ वो एक सुपर इम्पैथ्स के साथ भी करते हैं। बट सुपर इम्पैथ्स वो एक पॉइंट पे जाके किसी का भी फेयर नहीं होता है क्योंकि वो बचपन से ही हर चीज़ से डील कर चुका है, उसको पता है कि गलत क्या है सही क्या है, इसीलिए उसको किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता है। उसको डर नहीं लगता है कि नार्सिसिस्ट अब क्या करेगा क्योंकि उसको पता है अपनी रियलिटी, उसे पता है कि उसने अपना 100% दिया है हर चीज़ को ठीक करने के लिए, हर चीज़ को बनाने के लिए। बट वहीं पर जब नार्सिसिस्ट उनसे इस तरह से फील कराते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही किया है, तुम गलत हो, मैं सही हूँ, तो वहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो दिखा देते हैं उस हर चीज़ को। सुपर इम्पैथ्स जब एक बार नार्सिसिस्ट को रिकॉल कर देते हैं तो उसके बाद ये कभी भी उसको अपनी लाइफ पर जगह नहीं देते हैं। दैट मीन्स कि ये उससे हर तरह से कॉन्टैक्ट को तोड़ देते हैं, फिर वो चाहे फ़ोन का कॉन्टैक्ट हो, सोशल मीडिया का कॉन्टैक्ट हो, रिलेशनशिप हो, हर चीज़ को ब्रेक करके ये उस जगह से हट जाते हैं। फिर ये किसी भी तरह की एनर्जी उस नार्सिसिस्ट के लिए नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे शेयर की कि सुपर इम्पैथ्स की क्या क्वालिटीज़ होती है जो कि वो नार्सिसिस्ट से डील कर पाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल ग्रोथ चैनल का पार्ट बन जाइए जहाँ मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस की वीडियो। ये चैनल है हाईली सेंसिटिव पर्सन का, नार्सिसिस्ट सर्वाइवर का, आपका, और जिसको भी आपको लगता है कि उसको नीड होगी इस वीडियो की तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।